नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे आम बजट को लेकर। निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट जो है वो प्रस्तुत कर दिया, आम बजट प्रस्तुत किया है। हम जानेंगे कि इस पूरे बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, या फिर इन किन विभागों के लिए कितने पैसे दिए गए हैं और कितने पैसे खर्च होने हैं। इन सब तमाम बातों को लेकर आगे हम इस पूरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बार का जो बजट है 2023-2024 का, ये बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया। इस बजट में जो है सबसे बड़ा जो ऐलान है वो 7 लाख रुपये तक की जो है कमाई करने वाले लोगों के लिए राहत दी गई है, टैक्स के रूप में जो है उन्हें राहत दी गई है। इस टैक्स के स्लैब के बारे में भी हम आगे जो है समझेंगे, खास करके किसानों की अगर हम बात कर लें, क्योंकि किसानों को लेकर यह सरकार जो है पिछले दिनों बैकफुट पे गई थी, उसको लेकर जो है इस बार के बजट में कुछ खास दिया गया है। तो इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने जो है अन्य योजना लॉन्च करने का ऐलान कर दिया, खास करके मोटे अनाजों के उत्पादन को लेकर भी जो है इस बार निर्मला सीतारमण ने जो है एक नई स्कीम लाने की बात कही है, उसको भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस बार के बजट में विभागों को लेकर जो है कितने पैसे दिए गए और उसमें किस तरह का रुख रहा है। तो सबसे ज्यादा जो पैसे हैं इस बार रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा बजट में दिया गया है, उसमें जो राशि 5.94 करोड़ रुपए की राशि जो है वो रक्षा मंत्रालय को दी गई है। उसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, यहां पे जो है 2.70 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी गई है सड़क परिवहन विभाग को लेकर। और सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, उनके पास वो खुद अपने बयानों में ये कहते रहे हैं कि हमारे पास जो भी नेता पैसे रोड को लेकर जब आते हैं तो हम उनसे कभी उनको मना नहीं करते हैं। ऐसे में इस बार के बजट में देखें कि दूसरा जो सबसे बड़ा रकम है 2.70 लाख करोड़ रुपए का, वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास। तीसरी जो सबसे अहम बात कि जब से रेल बजट को अलग मतलब मर्ज किया गया, एक बजट में मेन बजट में डाला गया, उसके बाद से कई तरह के जो है इस सरकार पे आरोप लगते रहे कि आप रेल को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो इस बार जो है रेल बजट को लेकर भी ध्यान दिया गया है और खास करके रेल बजट पे 2.41 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है दी गई है। तो इस बार का रेल बजट जो है तीसरा सबसे बड़ा बजट जो है, यानी कि सबसे बड़ी जो राशि है वो रेल बजट के रूप में यानी कि रेल पे खर्च की गई है। उसके बाद कई अलग अलग विभाग हैं जिसमें कि पैसे का मुहैया किया गया, उसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण 2.26 लाख करोड़ रुपए जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण पे जो है वो पैसे दिए गए हैं। उसके बाद गृह मंत्रालय पे जो है 1.96 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है वो गृह मंत्रालय के पास गई है। उसके बाद रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के पास जो है 1.78 लाख करोड़ रुपए की राशि ये इस बार के बजट में प्रस्तुत की गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रामीण विकास विभाग के पास भी जो है 1.60 लाख करोड़ रुपए की राशि जो गई है। उसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण के पास जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है यहां दी गई है इनको। उसके बाद संचार की अगर बात कर ले, कम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर भी इस बार राशि दी गई है और वो भी अच्छी खासी राशि 1.23 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है इस बार संचार को लेकर दिया गया है। आइए अब समझ लेते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में कि इस बार के बजट में जो है वो क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो इसमें जो है सबसे पहले हम खुशी का ही इजहार कर लें और सस्ता क्या हुआ है इस पे एक बार जो है हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इस बार मोबाइल फोन और कैमरा, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आम लोगों के हाथ में सबसे पहले हम देख सकते हैं। तो इसमें मोबाइल फोन जो है वो भी सस्ता हुआ है। उसके बाद एलईडी टीवी भी सस्ता हुआ। सस्ता होने के पीछे जो तर्क है उसमें कहा गया कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की गई है, तो ऐसे में जो है ये सस्ता हुआ। खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ऐसे में सस्ते होंगे क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की गई है। उसके बाद टेलीविजन के ओपन सेल और कल पुर्जों के सीमा शुल्क पे भी जो है 2.5% की जो है कमी की गई है। ऐसे में ये उम्मीद की गई है कि एलईडी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेलीविजन, इन सब उसके साथ उनके कल पुर्जे जो है इनमें जो है सीमा शुल्क कम की गई, तो ऐसे में इन सब के सामान जो है वो सस्ते हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे क्योंकि इसमें जो है लिथियम ऑयल बैटरी जो है इसमें जो है कस्टम ड्यूटी पे छूट दी गई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है खास करके बैटरी को लेकर, लिथियम ऑयल की जो बैटरी है इस पे जो है भारी भरकम पैसे कंपनियां लेती थी, तो इसमें जो है आयात कस्टम में छूट दी गई है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी उसमें बढ़ोतरी की बात करती रही है। ऐसे में अब जब लिथियम ऑयल बैटरी में छूट दी गई तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसकी खरीदारी में बढ़ोतरी होगी और इसमें छूट दी गई है। उसके बाद मोबाइल के पार्ट्स के दाम कम होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी हमने पहले ही कहा कि उसमें जो है कमी की गई है। उसके बाद लैब में बने हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, रबर में छूट दी गई है, ऑटोमोबाइल में छूट दी गई है। उसके साथ साथ जो है बायोगैस से जुड़े सामान खरीदते हैं तो वहां भी आपको सामान सस्ता मिलेगा। उसके बाद खिलौने साइकिल ये भी सस्ते हैं। सीमा शुल्क में जो है 13% की कमी की गई, तो ऐसे में कई ऐसे सामान आएंगे जो कि सीमा शुल्क के तहत आते हैं। बाहर से जो सामान आती है जब देश के अंदर आने में जो है पैसे लगते हैं तो उस पर जो है ये 13% की छूट की बात कही गई है। आइए अब जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि महंगी होंगी। तो उसमें जो है चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसका मतलब हुआ कि चांदी तो महंगी होगी ही होगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सोना, चांदी और हीरा, ये तीनों चीजें जो है आने वाले दिनों में महंगी होने की बात जो है वो कही जा रही है। उसके बाद कहा गया है कि विदेशी रसोई गैस की चिमनी जो है वो महंगी होगी। उसके बाद आयातित खिलौने यानी कि बाहर से जो लाए गए खिलौने हैं और साइकिल है ये भी जो है वो महंगी होगी। तो इस बार के बजट में जो है कई चीज़ें जो है वो महंगी होनी है, जिसमें कि सोने चांदी एक बड़ी रकम के तहत देखी जा रही है कि इसमें सोने चांदी महंगी हो। उसके बाद साथ साथ सिगरेट का भी जिक्र है कि सिगरेट भी जो है इस बार के बजट में महंगी की गई है। इस बजट में महिलाओं के लिए बचत योजना का ऐलान किया गया, साथ ही साथ इसमें बुजुर्गों को भी राहत दी गई है। महिलाओं के लिए बचत पत्र का ऐलान किया गया है, ये एकदम से नया है इस बार के बजट के लेकर, इस नई सरकार को लेकर भी। और वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 15 लाख की लिमिटेड को बढ़ाकर अब जो है 30 लाख रुपये का ऐलान किया गया है। बजट के वाहनों में स्क्रैपिंग के को लेकर जो है छूट दी गई, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार आने वाले समय में स्क्रैपिंग को ज़्यादा फंड आवंटन करेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को लेकर भी जो है इस बार बढ़ोतरी की गई है। डिजिटल लॉकर को बढ़ावा देने की बात कही गई है और पीएम आवास योजना के तहत जो बजट की बढ़ोतरी की गई है उसमें कहा गया है कि अब जो है 79,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो अब भारत सरकार जो है अपने खर्चों में इसमें जो है बढ़ोतरी करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत होगी, जिसमें कि कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि इसमें जो है लघु उद्योग और रोजगारों का इजाफा होगा। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की भी स्थापना की बात कही है, ताकि आप जो है कहीं भी रहें आराम से ऑनलाइन डिजिटल रूप से जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्यों के स्तर के अलग अलग लाइब्रेरी खोलने की बात कही गई है। तो इस पूरे बजट को अगर हम देखें तो इसमें जो है कई तरह की नई योजनाएं जो है खासकर के महिलाओं को लेकर जो है नई योजनाएं लाई गई है। उसके बाद किसानों को लेकर जो बात कही गई उसमें मोटे अनाज के उत्पादन खासकर के मिलेट के उत्पादन को लेकर बढ़ावा दिया जाने की बात कही गई। कहा गया है कि कम कैसे जो है किसानों को समृद्ध कर सके, इस ओर जो है भारत सरकार अब जो है पहल कर रही है। उसमें उन्होंने मोटे अनाजों को रखा है, कृषि में कैसे हम आगे बढ़ सके, महिलाओं को हम कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं, उनको हम कैसे के साथ रोजगार के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब तमाम मुद्दे हैं इसको लेकर जो है इस बार की सरकार ने जो है जोर दिया। खास करके अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें तो पिछले लंबे समय से मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर जो है लगातार ये आरोप लगते रहे कि सरकारें जो है इस वर्ग जो कि एक बड़ा तबका है इस पर सरकार जो है जोर नहीं देती रही है। लेकिन इस बार के बजट में जो है उन पर जो है ध्यान दिया गया और एक जो उसका टैक्स का स्लैब है उसमें बदलाव किया गया, उसकी संख्या जो है बढ़ाई गई और उसमें जो है पैसे के जो दर हैं उसमें भी बढ़ोतरी की। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस बार मध्यम वर्गीय लोगों पे भी जो है भारत सरकार यह कह ले कि वित्त मंत्रालय इस बार का आम बजट जो है थोड़ा राहत देने वाला हो सकता है। वैसे राजनीतिक विश्लेषक और इकोनॉमिक्स जो है इस को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि आने वाले इस पूरे बजट यानी कि इस जिस सत्र के लेकर यानी कि 2023-2024 को लेकर जो ये बजट सत्र है उसमें कितना भारत जो है आगे डेवलप कर पाएगा। खुद निर्मला सीतारमण जो है अपने इस बजट को लेकर कहती हैं कि 6 से 6.8% तक की जो है देश ग्रोथ करेगा, एक मोटा मोटी आंकड़ा जो है वो 7% तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है। अब ये पूरा जो बजट है इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब देखना है कि इसमें किस तरह की बढ़ोतरी जो है वो देखी जाती है और इससे जो है कितना लाभ आम जनता को मिल पाता है। रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय इन दोनों पे जो है सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रेल मंत्रालय को लेकर भी लंबे समय से ये बहस चलती रही कि सरकारें जो है इसको इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रही। उसके बाद रक्षा मंत्रालय पे लंबे समय से सवाल उठते रहे कि यहाँ पे सरकार पैसे नहीं खर्च कर पा रही, हमारी सेना के पास उस तरह के हथियार नहीं है या फिर हम होममेड हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो इस
तमाम सवालों के जवाब इस बार के इस बजट से आप देख सकते हैं। तो ऐसे में मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय, ये दो ऐसे विभाग हैं जहां पे सबसे ज्यादा पैसे जो है इस बार भारत सरकार ने अपने बजट में लगाए हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे बजट को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।